तो कैसे हो मित्रों, मजे से जिंदगी बिता रहे हो और मियां महारानी के नाम पे हिला रहे हो कि नहीं? तो आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जिनकी कहानी मर्डर मिस्ट्री पर बेस्ड होगी। मतलब बेंचो, आज हम उस आदमी की बात करेंगे जो अपने आप को बहुत तेज समझता है और किसी के भी लौड़े लगा देता है। इन मूवीज में इतना सस्पेंस थ्रिलर होगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि साला असली कातिल कौन है। तो अगर आप सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और चिंता ना करें, इस लिस्ट की सारी मूवीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और असली कातिल को पकड़ते हैं। किस किस बैंग बैंग साल 2005 में आई एक एक्शन कॉमेडी मूवी थी। कहानी एक लंड फकीर चोर की है जो छोटी मोटी चोरी करता और अपना गुजारा करता है, लेकिन वो एक दिन पुलिस से भागते भागते फिल्म के ऑडिशन में पहुंच जाता और हीरो बन जाता है। और असली मजा तो तब आता है बैंग जो जब लंड फकीर आदमी अपने रोल के लिए एक डिटेक्टिव के साथ काम करने लगता है। लेकिन इन दोनों लौड़ू की गांड तब फट जाती है जब मर्डर पे मर्डर होने लगता है और इन दोनों के सर पे तलवार लटकने लगता है। तो ये झाटू लोग कैसे मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते हैं और कैसे कातिल की मार चोते हैं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मर्डर मिस्ट्री ये साल 2019 में यह एक कॉमेडी मिस्ट्री मूवी थी। मूवी की कहानी एक पति पत्नी की है जिनकी जिंदगी से मौज मस्ती और ठुकन ठुकाई गायब है। साला लौड़ू पति एक पुलिस वाला है जो डिटेक्टिव बनना चाह रहा है लेकिन बार बार फेल हो जा रहा है। और असली मजा तो तब आता है बैंजो जब ये दोनों पति पत्नी घूमने और मजे लूटने यूरोप चले जाते हैं। लेकिन इन दोनों की गान तब फट जाती है जब ट्रिप के दौरान इन दोनों पे हत्या के आरोप लग जाते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक घटिया पुलिस वाला कैसे मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करता और कैसे खुद को बचाता है, यह जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी होगी। मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस ये साल 2017 में आई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। मूवी की कहानी एक ट्रेन की है जिसपे कई लोग सवार हैं और अपनी अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। ट्रेन में एक लौड़ू बिजनेसमैन है जो एक नंबर का चूतिया है और जिसके कई सारे दुश्मन है। वहीं ट्रेन में एक बेहतरीन डिटेक्टिव भी है जो बड़े बड़े केस को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। लेकिन मूवी में असली ट्विस्ट तो तब आता है बैंक जो जब ट्रेन में ही लौड़ू बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है। तो डिटेक्टिव लौड़ू बिजनेसमैन के कातिल को कैसे पकड़ता और कैसे उसके लौड़े लगाता है, जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी होगी। फ्रैक्चर ये साल 2007 में आई एक थ्रिलर मूवी थी। मूवी की कहानी एक बहुत ही इंटेलिजेंट बुढ़े की है जिसका हथियार अब काम करना बंद कर दिया और जो अपनी बीवी के साथ चादर में गद्दर नहीं मचा पाता है और इस वजह से उंगली कर करके परेशान हो गई लौड़ू बूढ़े की बीवी किसी और से ठुकवाने लगती है। यानी कि जब हवसी महिला की जवानी उफान मारने लगती है तो वो किसी दूसरे के रॉकेट पे बैठ के सातवें आसमान में उड़ने लगती है। लेकिन जब इस रंगारंग कार्यक्रम के बारे में बूढ़े को पता चलता है तो वो अपनी वाइफ की मार चोट देता है, उसे गोली मार देता है। और असली मजा तो तब आता है बैंक जो जब बुढ़ा ही अपने दिमाग से वकील के छक्के छुड़ा देता है और खुद को बेगुनाह साबित कर देता है। यानी कि मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप जिसे बहुत बड़ा गांडू समझ रहे थे वो तो एक नंबर का जीनियस था। दी इनविजिबल गेस्ट ये साल 2016 में आई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। मूवी की कहानी एक मर्डर से शुरू होती है जहां एक हाउसी आदमी को हत्यारा माना जाता है। हाउसी आदमी एक अमीर व्यक्ति है इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए शहर का सबसे अच्छा लॉयर रखता है। लॉयर हाउसी आदमी से सब कुछ जानना चाहती है ताकि वो उसे बचा सके। हाउसी आदमी और लॉयर के बीच का बातचीत एकदम कमाल और गांड फाड़ है। हाउसी आदमी एक घटना को अपने एंगल से बताता है तो वही लॉयर उसे दूसरे एंगल से बताती है। मतलब बेंचो, जिस से आधा भरे ग्लास को कोई आधा भरा समझता है तो कोई आधा खाली। लेकिन बेंचो, चाहे किसी भी एंगल से देखा जाए, सच तो सच होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हाउसी आदमी कातिल है या नहीं तो आपको ये मूवी देखनी होगी। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि मूवी एकदम कमाल की है, देखकर मजा आ जाएगा बेंचो।